हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ Warriors पर। आज हम आपके लिए जो इस वीडियो में टॉपिक लेकर आए हैं वो है कोऑपरेशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें हम टोटल 90 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, बट आज हम जो क्वेश्चंस कवर करेंगे वो हैं 50 क्वेश्चंस सेट 1 में। बाकी के 40 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन कहां पर शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है सी, इंग्लैंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन द ईयर। करेक्ट आंसर इज बी, 1912। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मैन वन वोट प्रिंसिपल वाज रिकमेंडेड बाय डैश कमिटी। करेक्ट आंसर इज सी, मैक लगान। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपेक्स सोसाइटी मींस डैश लेवल सोसाइटी। करेक्ट आंसर इज ए, स्टेट लेवल सोसाइटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव डैश लायबिलिटी। करेक्ट आंसर इज बी, लिमिटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। करेक्ट आंसर इज बी, ऑफिसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय कोऑपरेटिव्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर इज ए, फेडरल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर फिक्स्ड बाय। करेक्ट आंसर इज सी, रजिस्ट्रार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इन इट्स। करेक्ट आंसर इज सी, कोऑपरेटिव एक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑपरेशन इज इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर इज डी, 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The head office of NCDC is at. Correct answer is A, Delhi. चलिए देखते हैं next question. Rebate is related to dash type of societies. Correct answer is D, handlooms. चलिए देखते हैं next question. Next question है, the custodians of minutes book of a society is. Correct answer is बी, सेक्रेटरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोडक्शन बोनस इज गिवन बाय डैश सोसाइटीज। करेक्ट आंसर इज ए, डेयरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बाइंडिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस। करेक्ट आंसर इज ए, लिक्विडेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोसाइटी इज इट्स। Correct answer is C, by law. Next question. Dash has the right to sign in the identity card of a member of a cooperative society. Correct answer is C, secretary. चलिए देखते हैं next question. Cooperative societies with area of operation more than 2 states is registered by. Correct answer is B, central registrar. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशंस ऑफ शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ड्यूटी ऑफ। करेक्ट आंसर इज ए, मैनेजिंग कमेटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द मेंबरशिप इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज। करेक्ट आंसर इज सी, आइडेंटिटी कार्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The Brinton Cooperative Benevolent Association and the Cooperative Trading Association was found by. Correct answer is C, Dr. William King. चलिए देखते हैं next question. The Rochdale Friendly Cooperative Society was formed in. Correct answer is D, 1830. चलिए देखते हैं next question. Dash is based on the principle of self-interest maximization of profits and exploitation. Correct answer is B, capitalism. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, abolition of profits and service above self help. Correct answer is C, cooperation. चलिए देखते हैं next question. In dash form of business organization, profit earning is the fundamental motive. Correct answer is B, capitalism. चलिए देखते हैं next question. In dash each works for all and all work for each. Correct answer is C, cooperation. चलिए देखते हैं next question. In dash the state is supreme, while in dash the individual freedom occupies the front position. Correct answer is A. In socialism the state is supreme, while in capitalism the individual freedom occupies the front position. चलिए देखते हैं next question. Dash presupposes the dominance of the state, whereas the cooperative movement does not accept state interference. Correct answer is A, socialism. चलिए देखते हैं next question. Dash has been compared to a state within a state. Correct answer is D, cooperation. चलिए देखते हैं next question. Expand ICFO. Full form बतानी है. Correct answer is C, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव फिशरीज ऑर्गेनाइजेशन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड ICFTU. करेक्ट आंसर इज ए, इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट वाज पास्ड इन, करेक्ट आंसर इज सी, 1879. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द लैंड इंप्रूवमेंट लोन्स एक्ट वाज पास्ड इन, करेक्ट आंसर इज सी, 1883. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट वाज पास्ड इन, करेक्ट आंसर इज डी, 1884. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The Madras government sent dash for studying the cooperative movements in European countries. Correct answer is D, Sir Frederic Nicolson. चलिए देखते हैं next question. In dash the National Cooperative Development Cooperation (NCDC) was established for strengthening the cooperative activities. Correct answer is B, 1963. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सपेंड एनसीडीसी. करेक्ट आंसर इज डी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द डैश 5-year प्लान द ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी वाज सेट अप. करेक्ट आंसर इज डी, इन द फोर्थ 5-year प्लान. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. In 1970, the Reserve Bank of India set up dash for the review of rural credit system. Correct answer is C, All India Rural Credit Review Committee. चलिए देखते हैं next question. The memorable phrase "each for all and all for each" was coined when the dash was formed with the membership of poor people for poor farmers and artisans. Correct answer is B, Heads of Credit Union. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश वाज अ जर्मन हु ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू बिग फार्मर्स. करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर हास. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम टू द स्प्रेड ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन जर्मनी. करेक्ट आंसर इज बी, P.F.W. Raiffeisen. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. NAFED stands for, करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश एस्टेब्लिश्ड इन 1958 हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया. करेक्ट आंसर इज सी, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इंप्लीमेंटेड द ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम। करेक्ट आंसर इज बी, एनडीडीबी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, LAMPS, TDCCFs, BISCO, LAMF, TRI FED are cooperative workings for the upliftment of. Correct answer is C, scheduled tribes. चलिए देखते हैं next question. The first dairy cooperative society was registered in 1930 at. Correct answer is A, Allahabad in UP. चलिए देखते हैं next question. The first marketing cooperative was organized at Hubli in the former Bombay province in. Correct answer is B, 1915. चलिए देखते हैं next question. The National Cooperative Consumers Federation was established during the Dash Plan. Correct answer is D, during the fourth 5-year plan. चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल. A novel form of cooperative organization known as producer company was introduced by amending the dash. And the correct answer is B, Companies Act 1956. चलिए दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।